हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम बात करेंगे पंचायत सीजन 3 की स्टोरी के बारे में। तो शो की शुरुआत होती है और अभिषेक अपने कजन आदित्य के साथ अपने कैट के एग्जाम पे ध्यान देने की बात कर रहा होता है, पर उसका मन अभी भी फुलेरा गांव में ही होता है। दूसरी तरफ फुलेरा गांव में नया सचिव आता है, बट प्रधान और विकास उसका फोन काट देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्वाइन ना कर सके, क्योंकि अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो अभिषेक जी वापस लौट नहीं पाएंगे। अब नए सचिव को भूषण भड़काने लगता है और उसकी बातों में आकर नया सचिव अब हथौड़े से पंचायत ऑफिस का ताला तोड़ने लगता है। तभी वहाँ विकास और प्रहलाद आ जाते हैं, तो नए सचिव की फट जाती है और वो वहीं रुक जाता है। नया सचिव विधायक का आदमी होता है और विधायक डीएम से कंप्लेन कर देता है। डीएम मैडम मंजू देवी और प्रहलाद को ऑफिस बुलाती है। डीएम मैडम दोनों को समझाती हैं कि विधायक की बात मान ले, लेकिन प्रहलाद उनकी बात मानने से मना कर देता है। मंजू देवी डीएम मैडम की बात मान लेती है और सचिव की ज्वाइनिंग कराने को रेडी हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे डीएम मैडम का कॉल आता है और वो बताती है कि अभिषेक का ट्रांसफर रुक गया है, क्योंकि विधायक को एक केस में जेल हो जाती है और अभिषेक इसके बाद फुलेरा गांव वापस आ जाता है। रिंकी और अभिषेक अब एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। अब एक बूढ़ी अम्मा सचिव के पास आती है और बताती है कि उसके पोते और उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया है, तो उसे पीएम आवास योजना में घर दिलवा दे। लेकिन थोड़ा तहकीकात करने पे पता चल जाता है कि वो बुढ़िया झूठ बोल रही है और बुढ़िया का पोता जगमोहन पूरे गांव में बता देता है कि प्रधान जी और मंजू देवी रोड पे गड्ढे की वजह से गिर गए हैं। इस बात को छुपाने के लिए प्रधान जी और मंजू देवी सचिव को मनाते हैं कि उन्हें घर दे दिया जाए, और थोड़े से ड्रामे के बाद घर वाली लिस्ट में उनका नाम भी आ जाता है। प्रहलाद चाह जो कि अब बहुत ही उदास रहते हैं अपने बेटे के गम में, उनको सरकार की तरफ से 50 लाख का मुआवजे का चेक भी मिला है। दूसरी ओर हम देखते हैं पीएम आवास योजना की लिस्ट आ जाती है जिसमें 12 लोगों का नाम होता है, लेकिन इस बात पे भी भूषण पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाता है। जगमोहन की दादी को घर मिलता है तो इस बात पे भूषण सबको भड़काता है। अब जगमोहन की दादी नाटक करती है बीमार होने का ताकि किसी को शक ना हो जाए, बट कंपाउंडर उनको दवा देता है जिसकी वजह से दादी की तबीयत और खराब हो जाती है। रात को उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो ठीक हो जाती है। जगमोहन अब पीएम योजना में मिले घर को वापस कर देता है और प्रहलाद अम्मा को अपने घर ले आता है और उन्हें दिखाता है कि खाली घर कैसा होता है, जिसके बाद अम्मा समझ जाती है और हंसी खुशी अपने पोते जगमोहन के साथ चली जाती है। अब ग्राम पंचायत मीटिंग होती है जहाँ पे भूषण भी आता है और जगमोहन की अम्मा को मिला हुआ घर फुलेरा पश्चिम को मिल जाता है। इस पे भूषण बवाल कर देता है। फिर रोड का मुद्दा निकलता है और प्रधान जी बोलते हैं कि रोड नहीं बन सकती क्योंकि विधायक जेल में हैं, जिस पे भूषण बताता है कि वो बेल से बाहर आ चुके हैं और अगर विधायक जी के साथ शांति समझौता कर लिया जाए तो रोड भी बन जाएगी, जिस बात पे प्रधान जी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और सचिव जी का रोमांस बढ़ने लगता है। इधर भूषण अब विधायक जी से मिलने जाता है और विधायक उनकी तख्ता पलट वाली बात सुन करके उसको अपना पूरा सपोर्ट देता है। रात को प्रधान जी, प्रहलाद, विकास और सचिव जी साथ बैठे होते हैं। यहाँ प्रहलाद कहता है कि वो इस बार इलेक्शन में नहीं लड़ेगा और 50 लाख से रोड बनवा देगा, लेकिन इस बात पे विकास उसे समझाते हुए कहता है कि 50 लाख का मुआवजा सरकार ने आपको दिया है और जिंदगी अभी बची हुई है, तो वो इस तरीके से अपने पैसे को गांव के लिए ना खर्च करें। भूषण तक अब ये बात पहुंच जाती है प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और वो अब एक मीटिंग रखवाता है जहां पे बोलता है कि वो विधायक जी से शांति समझौता करवाएगा, और फिर मंजू देवी इस बात पे राजी हो जाती है। शांति समझौते का दिन आ जाता है और विधायक अपनी बेटी चित्रा के साथ गाँव आता है। विधायक वहाँ पे भूषण को बहुत भाव देता है और ये करते समय वो प्रधान जी को बहुत बार छोटी छोटी तरीकों से बेइज्जत भी करता है, और भूषण और विधायक मिलकर के पूरब और पश्चिम वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा हवा दे रहे होते हैं। आखिरी में मंजू देवी उनको अपने यहाँ खाने के लिए भी बुलाती है, पर वो मना करते हुए विनोद के यहाँ खाना खाने चले जाता है। विधायक अब गांव में ऐलान करता है कि वो फुलेरा की रोड बनवाएगा, जिसके बाद वो शांति समझौता एक्सेप्ट करते हुए कबूतर उड़ाता है, लेकिन वो कबूतर मर जाता है, जिसपे कबूतर वाला उसे सबके सामने खूनी बुलाता है और विधायक की सबके सामने बहुत बेइज्जती हो जाती है। विधायक वहां से चला जाता है और भूषण का शांति समझौता खराब हो जाता है। एक रात को न्यूज चैनल वाले विधायक के हाथों कबूतर की मौत की खबर सुनकर फुलेरा आते हैं बम बहादुर का इंटरव्यू लेने। न्यूज चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं प्रधान जी के सपोर्ट के साथ। इस बात से विधायक बहुत भड़क जाता है और भूषण से बोलता है कि बम बहादुर से बोले कि उसी चैनल पे उनसे माफी मांगे, वरना वो पूरा फुलेरा गांव जला देंगे।
दूसरी साइड रिंकी भी एमबीए की तैयारी स्टार्ट कर देती है और सचिव जी से उसी बारे में बात करने आती है। बम बहादुर को प्रधान जी अब सजेस्ट करते हैं कि वो ऑफिस में ही कुछ दिन छुप के बैठे। एक खुशखबरी भी इसी बीच मिलती है कि विकास अब बाप बनने वाला है। भूषण बम बहादुर को ढूंढते हुए पंचायत ऑफिस पहुंचता है और उससे बोलता है कि इंटरव्यू में माफी मांग ले और उसे डराता भी है। दूसरी तरफ विकास के बाप बनने की खुशी में प्रहलाद अपने घर पे पार्टी देता है। वहीं पे बम बहादुर आता है रिपोर्टर्स के साथ और अपनी धमकी का बदला लेने के लिए एक इंटरव्यू और देता है, जहां पे वो बोलता है कि विधायक ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे धमकी दी है। जब वीडियो रिलीज होता है तो विधायक और भड़क जाता है, लेकिन 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन बम बहादुर पे कोई हमला नहीं होता। विधायक अब फकौली बाजार के गुंडे बुलाता है और बम बहादुर की सुपारी देता है। अब बबलू और डब्लू बम बहादुर को खोज लेते हैं लेकिन वो भाग जाता है और पंचायत ऑफिस आकर के सारी बात बता देता है। इसके बाद एक मीटिंग बैठती है जिसमें भूषण को वहां से भगा देते हैं और विधायक के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा जाता है, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि विधायक का घोड़ा खरीद करके उसे नीचा दिखाया जाएगा। अब रवीना और उसका पति गणेश घोड़ा खरीदने विधायक के घर जाते हैं और घोड़ा खरीद लेते हैं। विधायक अपने घोड़े से अलग होकर बहुत दुखी हो जाता है। घोड़ा फुलेरा गाँव आ जाता है और प्रधान जी उसे लेके पूरे गाँव का चक्कर लगाते हैं। भूषण अब ये बात विधायक को बता देता है। विधायक अब एकदम आग बबूला हो जाता है और फुलेरा पर हमला करने को निकल पड़ता है। बीच रास्ते में भूषण विधायक को रोकने आता है और विधायक भूषण से बोलता है कि अगर उसका घोड़ा उसे 2 घंटे में नहीं मिला तो गांव पे अटैक कर देगा। भूषण अब ये बात पंचायत ऑफिस में बताता है, जहां पे सब लोग भूषण के खिलाफ हो जाते हैं और सब मिलके डिसाइड करते हैं कि गांव विधायक के आगे नहीं झुकेगा। अब गांव वाले विधायक से लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन भूषण अब भी पॉलिटिक्स खेलता है और शांति समझौते के लिए सफेद झंडा लिए अपनी बीवी विनोद और माधव के साथ धरने पे बैठ जाता है। डीएम मैडम अब बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर को विधायक को समझाने के लिए भेजती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तो फिर बीडीओ अब फुलेरा आकर मंजू देवी को समझाता है कि घोड़ा लौटा दे, लेकिन वो लोग भी अपनी बात पे डटे रहते हैं। अब विधायक गांव में आ जाता है और बंदूक तान देता है गांव वालों पे। बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर सबको शांत करवाते हैं, तभी डीएम मैडम का कॉल आता है और वो सांसद जी से विधायक की बात करवाती है और सांसद उसे समझाता है कि राजनीति पहलवानी की तरह नहीं शतरंज की तरह खेली जाती है। जिसके बाद विधायक हवा में फायर करके सबको डराने की कोशिश करता है, बट कोई डरता नहीं और विधायक वहां से लौट जाता है। सब लोग अब जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद 14 दिन बीत जाते हैं। सचिव जी अब अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं और सब लोग आपस में बात करते हैं। प्रहलाद अपना पैसा विकास को दे देता है और बोलता है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके काम आएगा। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्रहलाद सचिव को बस में बैठा के भगा देता है और यहां वो लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद वो लोग प्रधान जी पे गोली चला देते हैं। प्रधान जी के कंधे पे चोट आती है पर वो बच जाते हैं। रात को सचिव जी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सब लोग उन्हें शांत रहने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद सचिव जी बोलते हैं कि उन्हें पता है कि लोकेशन किसने लीक की होगी। सब लोग गांव के लिए निकलते हैं, तभी वहां विधायक उन्हें मिलता है और बोलता है कि उसने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि अगर उसने गोली चलवाई होती तो प्रधान जी भी जिंदा ना होते, और बोलता है कि क्या पता प्रधान ने खुद गोली चलवाई हो। और भूषण भी इसमें हाँ में हाँ मिलाता है, तो तभी अभिषेक उसे थप्पड़ मार देता है और फिर सबको मारता है। उसी बीच वो विधायक को भी पेल देता है। इसके बाद सबको पकड़ के पुलिस ले जाती है। लास्ट में डीएम मैडम इलेक्शन का ऐलान कर देती हैं, लेकिन अब भी मेन सवाल ये होता है कि गोली आखिर चलाई किसने, विधायक या भूषण। तो ये सब हुआ पंचायत के सीजन 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।